नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक नॉन कॉन्टैक्ट एसी लाइन टेस्टर सर्किट है और दोस्तों यह सर्किट 9 वोल्ट पावर सप्लाई से काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक CD4017 आईसी। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक तार का टुकड़ा। उसके बाद इस तार को हम इस आईसी के 8 नंबर, 13 नंबर और 15 नंबर पॉइंट के साथ एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक बजर। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें बजर का जो पॉजिटिव पॉइंट है उस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है इस आईसी के 9 नंबर पॉइंट के साथ। उसके बाद बजर का नेगेटिव पॉइंट हम इस आईसी के 8 नंबर पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक एलईडी बल्ब। उसके बाद दोस्तों देखिए, अब हमें इस एलईडी का जो पॉजिटिव पॉइंट है उस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है इस आईसी के 1 नंबर पॉइंट के साथ। उसके बाद एलईडी का नेगेटिव पॉइंट हम इस आईसी के 8 नंबर पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक मोटा कॉपर वायर का टुकड़ा। उसके बाद दोस्तों, अब हमें इस कॉपर वायर को एक पेन के ऊपर ऐसे टर्न कर लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें इस कॉपर वायर को इस आईसी के 14 नंबर पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा दो पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद एक तार हमें सोल्डर करना है इस आईसी के 8 नंबर पॉइंट के साथ। उसके बाद दूसरा तार हम इस आईसी के 16 नंबर पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये दो तार हो गया इस सर्किट का पावर सप्लाई का दो तार। ये है नेगेटिव तार और ये है पॉजिटिव तार। तो दोस्तों, ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक नॉन कॉन्टैक्ट एसी लाइन टेस्टर सर्किट अपने घर में बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।